मॉनसून सीजन में हमीरपुर जिला को 58 करोड़ रुपए की क्षति हुई है, जिसके चलते बीते मॉनसून सीजन के दौरान हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने हमीरपुर जिले का दौरा किया। कृषि मंत्रालय के कृषि विभाग के निदेशक विपिन कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में आए इस 3 सदस्यीय दल में भूतल परिवहन मंत्रालय के अधिकारी वरुण अग्रवाल और वित्त मंत्रालय के अधिकारी महेश कुमार भी शामिल थे। उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता बनिक ने बताया कि मॉनसून सीजन में जिला में लगभग 58 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। लोक निर्माण विभाग की सड़कों का लगभग 32 करोड़ रुपए, जल शक्ति विभाग की पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं का लगभग 23 करोड़ और बिजली बोर्ड की लाइनों एवं ट्रांसफार्मरों का लगभग 63 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा पारंपरिक फसलों को लगभग 1 करोड़ रुपए और बागवानी क्षेत्र को करीब 20 लाख रुपए की क्षति पहुंची है। भारी बारिश के कारण पेयजल एवं सिंचाई की कुल 57 योजनाएं प्रभावित हुई है। इनके अलावा मकानों और अन्य निजी संपत्तियों का भी लगभग 51 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि दल के अधिकारियों ने कोट चोरी मार्ग पर पुंगखड में जल शक्ति विभाग की उठाऊ पेयजल योजना और अवा देवी बाईपास सड़क का भी निरीक्षण करके नुकसान का जायजा लिया है। इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम जो मानसून की जो डैमेजेस होते हैं हमारे स्टेट में उसका आकलन करने आती है, तो उनको ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जितने मानसून सीजन में 31 सितंबर 2020 तक का मानसून के पीरियड में जो जो डैमेजेस हमारे जिले में हुए अलग अलग विभागों के या इंडिविजुअल लॉसेज हुए उसकी ओवरव्यू जो है वो दी गई और कुछ जगहों पर उनकी जो है स्पॉट विजिट भी की गई। कुल जो है 58 करोड़ की जो है लगभग पूरा आकलन तैयार किया गया है मॉनसून डैमेजेस का जिला हमीरपुर में। इसमें से 32 करोड़ का जो नुकसान है वो पीडब्ल्यूडी विभाग के विभिन्न एसेट्स की जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, कलवर्ट्स वगैरह की हुई है। इसके साथ साथ 23 करोड़ जो है आईपीएच विभाग के एसेट्स की जो है को नुकसान हुआ है, जिसमें अलग अलग पानी की स्कीमें या लिफ्ट इरिगेशन या इस तरह की स्कीमें इन्वॉल्व हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी विभाग की जो है 36 लाख की जो नुकसान है वो आकलन किया गया है, जिसमें HT-LT लाइन्स और तारे जो हैं वो थी। और इसी के साथ साथ 1 करोड़ के लगभग नुकसान एग्रीकल्चर विभाग का आकलन किया गया था और इंडिविजुअल घरों का या मवेशियों का या जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं कुछ मानसून के सीजन में या एक्सीडेंट्स में उसका लॉस जो है टोटल 91 लाख का आंका गया।